सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य राज और आप देख रहे हैं हाईटेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी खरीदना चाहते हो एक गेमिंग स्मार्टफोन 2021 में, तो दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा देखते रहना, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको टॉप चार पांच ऐसे गेमिंग स्मार्टफोन के एक ब्रांड्स बताने वाला हूं जो कि गेमिंग के लिए काफी ज्यादा बेस्ट कंपनी से, और इन्हीं गेमिंग स्मार्टफोन को आपको खरीदना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। तो और दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी शेयर करूंगा कि कौन सा गेमिंग स्मार्टफोन मेरे को काफी ज्यादा पसंद है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो सबसे पहला जो गेमिंग स्मार्टफोन है वो आता है दोस्तों लिनोवो की तरफ से। इसका नाम है दोस्तों लिनोवो लेगन, जो कि आप दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब पे काफी सारे वीडियो अभी देख पाओगे क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल लेटेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये गेमिंग स्मार्टफोन शायद सभी के लिए लॉन्च नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अभी तक हो सकता है कि लॉन्च हो जाए क्योंकि ये वीडियो मैंने जब तक अपलोड किया तब तक दोस्तों यहाँ पे लॉन्च नहीं हुई है। लेकिन आप दोस्तों वीडियो अगर थोड़े दिन बाद देख रहे हो तो हो सकता है अभी तक लॉन्च हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसमें जो दोस्तों कैमरा है वो लगा है दोस्तों 64 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल का कैमरा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर इसकी रैम की बात की जाए तो इसमें दोस्तों आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जो कि है दोस्तों यहाँ पे 8 GB और यहाँ पे 16 GB का रैम आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जो सबसे गेमिंग के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है दोस्तों हमारी प्रोसेसर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसमें दोस्तों लगा हुआ है स्नैपड्रैगन का 865 प्लस प्रोसेसर, जो कि गेमिंग के लिए काफी ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर है। और यहाँ पे मैं अगर आपको इसकी बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लगा हुआ है 5000 mAh की बड़ी बैटरी। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे जान लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, 38,000 से 39,000 के बीच आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो अब चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट गेमिंग स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों अगला जो हमारा गेमिंग स्मार्टफोन है वो है दोस्तों ब्लैक शार्क 3 प्रो, जो कि काफी ज्यादा तगड़ा गेमिंग स्मार्टफोन है। तो यहाँ पे मैं इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे जो कैमरा है इसका, इसमें आपको 3-4 कैमरे देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी बैक कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों आपको 64 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का आपको बैक कैमरा देखने को मिलता है, और यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का आगे फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सिर्फ 8 GB वेरिएंट यहाँ पे अवेलेबल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ये लॉन्च होने वाले फरवरी में यानी कि नेक्स्ट मंथ। तो अगर दोस्तों हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें दोस्तों जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है दोस्तों स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर है। तो यहाँ पे अगर हम बैटरी की बात करें तो यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई वो है दोस्तों 5000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी। तो ये भी दोस्तों गेमिंग के लिए काफी ज्यादा बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा 2021 में। अगर दोस्तों हम इसके प्राइस की बात करें तो ये दोस्तों 50,000 के अराउंड लॉन्च होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बेसिस पे जो आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस होगी वो काफी ज्यादा बढ़िया होगी। तो अब चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं हमारा नेक्स्ट गेमिंग स्मार्टफोन। तो गाइस, अगला जो हमारा गेमिंग स्मार्टफोन है वो आता है दोस्तों नुबिया की तरफ से, जो कि दोस्तों नुबिया रेड मैजिक 5G। आप दोस्तों इस गेमिंग स्मार्टफोन का नाम कभी ना कभी जरूर से सुना होगा, क्योंकि काफी ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है ये भी, जो कि गेमिंग स्मार्टफोन बनाती है। तो अब चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आपके जो कैमरा देखने को मिलता है वो है दोस्तों 64 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, और यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। तो अगर दोस्तों हम बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे भी आपको दोस्तों देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 865 का प्रोसेसर। और दोस्तों अगर हम इसकी रैम की बात करें तो इसमें दोस्तों 8 GB का रैम आपको देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इसके प्राइस की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 41,000 के अराउंड ये लॉन्च होने वाला है फरवरी में यानी कि नेक्स्ट मंथ। तो अब चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं हमारा आखिरी स्मार्टफोन, जो कि काफी ज्यादा फेमस ब्रांड है और काफी ज्यादा लोग इसी फोन को खरीदना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं हमारा नेक्स्ट स्मार्टफोन। तो दोस्तों आखिरी जो हमारा गेमिंग स्मार्टफोन है वो गेमिंग स्मार्टफोन्स का बादशाह है, और दोस्तों इस कंपनी का नाम है एसस आरओजी। जी हाँ दोस्तों, एसस आरओजी 3 जो स्मार्टफोन है वो काफी ज्यादा पॉपुलर गेमिंग स्मार्टफोन है, और काफी सारे लोग इसी स्मार्टफोन को खरीदते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे जो इसमें कैमरा लगा हुआ है वो है दोस्तों 64 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का। और दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है दोस्तों स्नैपड्रैगन का 865 प्लस प्रोसेसर। और दोस्तों अगर हम इसके रैम की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 8 GB रैम और 12 GB रैम वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर दोस्तों हम इसके बैटरी की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको 6000 mAh की काफी बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। तो इसीलिए दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा महंगी है, लेकिन काफी ज्यादा बेस्ट स्मार्टफोन है गेमिंग के मामले में। तो इसका जो प्राइस है दोस्तों वो है दोस्तों 44,000 के अराउंड, जो कि अभी दोस्तों आप खरीद सकते हो, आप कहीं से भी, आप ऑफलाइन मार्केट या ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हो। तो अगर दोस्तों मैं अपनी ओपिनियन शेयर करूँ तो यहाँ पे दोस्तों मेरे जो Asus ROG 3 जो स्मार्टफोन है वो मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें आपको काफी ज्यादा बड़ी
बैटरी देखने को मिलती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपके जो प्रोसेसर वो काफी ज्यादा हाई लेवल के, तो आपको बैटरी की जरूरत जरूर से पड़ती है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी प्रोसेसर होती है जैसे स्नैपड्रैगन 865 वगैरह वगैरह, तो ये जो प्रोसेसर वगैरह होती है काफी ज्यादा बैटरी यूज करती है। तो इसीलिए दोस्तों एसस आरओजी में लगा हुआ 6000 mAh की काफी ज्यादा बड़ी बैटरी, जो कि मेरे को काफी ज्यादा पसंद है। तो अगर आप और भी ब्रांड्स के स्मार्टफोन खरीदने चाहते हो जो कि कम लेवल के, यानी कि थोड़े से सस्ता आपको स्मार्टफोन खरीदना लेकिन काफी ज्यादा बेटर स्मार्टफोन है वो सब, तो यहाँ पे मैं आपको ब्रांड्स के बारे में बता दूं, तो रेडमी का जो K20 Pro है वो भी काफी ज्यादा बेटर स्मार्टफोन है गेमिंग के मामले में, हालांकि थोड़ा सा पुराना हो गया है। और भी दोस्तों अगर मैं आपको दूसरे ब्रांड्स की बात करूं, तो यहाँ पे एप्पल का जो आईफोन है वो भी काफी ज्यादा अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाता है, और वन प्लस भी काफी ज्यादा बढ़िया गेमिंग आपको करवा देता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये गेमिंग स्मार्टफोन आपको पसंद आया होगा। आपके गेमिंग स्मार्टफोन कौन सा है फेवरेट, तो यहाँ पे मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं इंस्टाग्राम के जरूर से फॉलो कर लेना। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय।